नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया है रेलवे की तरफ से, जिसमें रिवाइज शॉर्टलिस्ट डेट और एग्ज़ाम डेट सेक्शन वाइज मार्क्स सेकेंड CBT 2 के लिए दिया गया है। तो चलिए देखते हैं टोटल नोटिस में क्या कहा गया है। रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेट एग्जामिनेशन वेयर पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट और RRBs ऑन 2/11/2011। 2 नवंबर को आपको रिजल्ट दे दिया गया था। फ्यू कैंडिडेट हैव रिप्रेजेंटेड डेट देयर और आर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर इरोर्स इन क्वेश्चन एंड ट्रांसलेशन इन द वीक ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन और लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑल द क्वेश्चन पेपर आर बी रिव्यूड। इट इज़ एक्सपेक्टेड डेट आफ्टर दिस रिव्यूज फ्रेश रिजल्ट फर्स्ट स्टेट CBT देखिए फर्स्ट स्टेट CBT अलोंग द रिवाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट सेकेंड स्टेट CBT लाइकली टू पब्लिश बाय 20/12। देखिए आपका जो फाइनल रिजल्ट जो है वो 20/12 को जारी कर दिया जाएगा। और अकॉर्डिंग द एग्ज़ाम डेट सेकेंड स्टेट CBT हैज़ बी रिशेड्यूल्ड, यानी कि सेकेंड स्टेट का जो CBT एग्ज़ाम है वो 21, 22 और 23 जनवरी को होगा। देखिए आप लोग को बहुत ही बड़ा गैप दिया गया, कहाँ पर 24 दिसंबर को होने वाला था एग्ज़ाम, अब होगा 21 जनवरी से पूरा, और 1 महीना आप लोगों के लिए रेलवे ने डेट बढ़ा दिया है। ठीक है, अब पढ़ने का भी मतलब काफ़ी समय मिल गया है। अब आगे देखते हैं, देखिए आपका वही 90 मिनट ड्यूरेशन, 90 मिनट होगा, 120 मिनट PWD कैंडिडेट के लिए होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 जो पहले था, और देखते हैं क्या पर बदला हुआ है। देखिए सेक्शन वाइज देखते हैं, सेक्शन वाइज में 100 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसमें मैथ की 25 क्वेश्चन रहेगा देखिए, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का भी 25 क्वेश्चन रहेगा। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के देखिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का 40 क्वेश्चन, ये 3 नंबर में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का 40 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा दिया है हम लोग को, मतलब कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस से बहुत ही ज़्यादा 40 क्वेश्चन आएंगे, यही आपका मेरिट निर्धारित करेगा। ठीक है, और करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का सेक्शन 10 नंबर कर दिया है, जहाँ CBT 1 में तो 20 नंबर, यहाँ पर 10 नंबर कर दिया गया है। टोटल 100 100। देखिए कंपटीशन अब थोड़ा मतलब कि टफ होने वाला है। देखिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में 40 नंबर बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। नीचे देखते हैं पार्ट बी में 60 मिनट मिलेगा ट्रेड वाला, इसमें 80 मिनट PWD के लिए मिलेगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 75। नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3। ठीक है, और नीचे देखते हैं और क्या लिखा है, दिस पार्ट इज़ क्वालिफाई, इसमें सिर्फ क्वालिफाई है, 35% मार्क्स लाना है। ठीक है, और इसमें नेचर है, क्वेश्चन है सिलेबस पब्लिश बाय DGT, जो सिलेबस को ट्रेड वाला जो दे ही दिया गया, ITI NEC मैथ एंड फिजिक्स एग्जाम ट्रेड द सिलेबस विल बी एज पर द CBSE सिलेबस 10+2 10+2 वाले के लिए जो है, जिसमें मैथ और फिजिक्स पूछने वाला है, वो CBSE सिलेबस पर आधारित ही आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब रेडी द रिफरेंस एग्ज़ाम ट्रेड सिलेबस। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन जो CBT 2 का रहेगा वो 2.5 घंटा का रहेगा, पार्ट ए पार्ट बी मिलाकर, यानी कि दोनों एग्ज़ाम एक साथ ही होगा। ठीक है, यह पब्लिश किया गया है 4/12/2000, आज ही के दिन यह पब्लिश किया गया है। ठीक है दोस्तों, हाँ यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं अपना चैनल पर ये नोटिस और रेलवे से रिलेटिव नोटिस लेकर आता हूँ। चलिए तो थैंक यू।